स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले श्रमिकों ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से वादा पूरा किए जाने की गुहार लगाई। स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिक ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ में 1 मई से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिकों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही दुर्ग में हिंदी भवन के सामने बैठे श्रमिकों ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही हर श्रमिकों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है, जिसके चलते हमारा परिवार तनावग्रस्त है। हम बता दें, धरना प्रदर्शन में बैठे श्रमिकों ने बताया कि स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग श्रमिकों को पूरे माह का काम न कराए जाने के कारण 15 दिनों का मेहनताना दिया जाता है, जो कि एक परिवार चलाने के योग्य नहीं है, जिसके चलते ये श्रमिक पूरे प्रदेश भर में लगभग 8-10 हज़ार की संख्या में कार्यरत है। अब नई पद्धति से बिजली विभाग का कार्य किया जाता है, तो इसमें आम जनता के साथ ही श्रमिकों को भी बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। इसकी मांग को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से गुहार लगाकर अपनी फरियाद कर रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में आल मीटर रीडर संघ के सभी महासंघ के कर्मचारी सभी हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारे सरकार से हमारी इतनी ही मांग है कि हमें जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जो है जो लाया गया है उससे हमारे मीटर संघ के द्वारा मतलब हमें बेरोजगार होने का डर सता रहा है और हम सरकार भूपेश सरकार से इतनी ही मांग चाहते हैं कि हमें 30 दिन का काम मिले और हमें नियमितीकरण का आदेश दे और जिससे हमारे स्मार्ट मीटर अगर कहीं हमारे पूरे प्रदेश में अगर कहीं लगता है तो जो वाईफाई जो कनेक्शन जो रहता है स्मार्ट मीटर का उससे आम जनता को भी मतलब परेशानी होने का डर सताएगा और परेशानी से बहुत दिक्कतें आएंगी और मैं शासन प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि स्मार्ट मीटर जो लगाने की प्रक्रिया है उसको तत्काल बंद किया जाए और जो हमारे मीटर रीडर सभी कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे हैं उसको नियमितीकरण तथा 30 दिन की काम जो है उसको पूरा करने की कोशिश करें सरकार। हम इसी प्रार्थना के साथ में हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग है सर, पहले तो हम लोग को 30 दिन पूरा महीने का काम मिलना चाहिए। आज हम लोग 15 दिन ही काम करते हैं और 15 दिन घर में खाली रहते हैं और हम लोग का मानदेय 6 से 7 हज़ार रुपये मिलता है। उसी नाम सर हमको पूरा 30 दिन काम चाहिए और पहले हम लोग ठेकेदारी में काम करते थे तो PF ऐसा ही सब करता था। अब हम यहाँ काम करें हम लोग का PF कुछ नहीं है तो सब वही सब मांग लेके यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं सरकार से कि दुर्ग जो विधानसभा हुआ था चुनाव 2019 में, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है घोषणा किया था अपने 30 क्रमांक बिंदु में कि हम जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी है, वो सभी को जो है हम रेगुलर करेंगे। लेकिन आज सरकार का पूरा 4.5 वर्ष जो कार्यकाल है वो पूरा होने को है, केवल 4 महीना 6 महीना बचा है और जो अपने वादा किया था उसमें कर्मचारी के लिए कोई जो है उन्होंने अपना जो वादा है वो पूरा नहीं किया। तो हम आज जो मीटर रीडर संघ है पूरे प्रदेश स्तर में 1 मई से हम हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, और हम ये चाह रहे हैं कि जो अपने मांग है वो सरकार पूरा करे। और हमारे में से कई ऐसे भाई हैं जो 25 साल से 30 साल से कोई जो है 10 साल से काम करते आ रहे हैं, सबका उम्र जो है नौकरी का निकल चुका है, अब हमको कहाँ नौकरी मिलेगा। दूसरी बात है कि सरकार जो है हम ठेका प्रथा बंद करेंगे बोलते हैं लेकिन हम लोगों को खुद से ठेकेदार बना दिया गया और 15 दिन का जो है हमको काम दिया गया, तो 15 दिन में हमको 6,500-7,000 में हम क्या अपना घर चलाएँ, क्या रोजी रोटी। इतने महंगाई के ज़माना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है और 15 दिन हमको और दूसरी जगह कौन काम देगा। हम विभाग में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप 15 दिन पार्ट टाइम टाइप का करो, दूसरी जगह और काम कर लो, तो 15 दिन में कौन हमको काम देगा। तो सरकार को हम ये चाह रहे हैं कि अपने जो वादा किए हो आप वादा खिलाफ क्यों कर रहे हैं, अब हमने जो किए वादा है उसमें आप करो। हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी मिले हमको विभाग में, ताकि हम अपने भविष्य को लेकर हमने बच्चों को न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।